CES स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फेजोग्राफी शुरू करेंगे। फेजोग्राफी फेजोग्राफी का मतलब क्या होता है? फेजोग्राफी हम किसे बोलते हैं? फेजोग्राफी का मतलब है जॉइंट डर्मोग्राफी। अभी आपने जो एक्सरसाइज पढ़ ली हुई है उसमें जो आपने ग्रैमोलॉग्स करे, अब आपने ग्रैमोलॉग्स को जॉइंट करके बनाना है। जॉइंट करके ग्रैमोलॉग्स कब बनते हैं? कहता है फेजोग्राफी में सपोज आपने ग्रैमोलॉग्स आई पढ़ा हुआ है, ग्रैमोलॉग्स हैव पढ़ा हुआ है, ग्रैमोलॉग हैड पढ़ा हुआ है, ग्रैमोलॉग बीन पढ़ा हुआ है। अब आपने इन ग्रैमोलॉग्स को जॉइंट करके बनाना है, जोड़ के बनाना है। शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है हाउ कैन बी, आई हैव, आई थैंक यू, विद, विद मच, विद विच, विद ईच, आई एम, आई कैन, आई विल, ही मे। जैसे हमारे पास वर्ड है हाउ कैन दे, आओ तो हम इस तरह से बनाते हैं ग्रैमोलॉग कैन के आंदलाइन और दे, ये हमारी फेजोग्राफी है। जब हमें ज्वाइन करके ग्रैमोलॉग्स को बनाना होता है उसे हम बोलते हैं फेजोग्राफी। आई हैव, आई हैव, अबव द लाइन, आई थैंक, थैंक हमारा अबव द लाइन बनता है और यूज के साथ ज्वाइन करके बनाना। विद, लेफ्ट सेमी सर्कल ऑफ लाइन पे इसे हम विद पढ़ते हैं। विद मच, विद के साथ शेप ऑफ द लाइन, विद मच, विद विच, विद के साथ चे ऑन द लाइन, विद ईच, विद के साथ चे बिलो द लाइन। विद मच होगा तो चे अबव द लाइन बनेगा, विद विच होगा चे ऑन द लाइन बनेगा, विद ईच होगा चे बिलो द लाइन बनेगा। आई कैन, आई एम, आई के साथ एम बना देंगे जॉइन करके, आई कैन, आई के साथ के बना देंगे, आई विल, आई के साथ एल बना देंगे अबव द लाइन, ही मे, ही हमारा बिलो द लाइन जाएगा, और मे, अगर मे में डाउट रहता है और एम में डाउट रहता है तो मे में आप मे की साउंड दे सकते हो। मे की साउंड हमारे मिडल में आएगी, ये आपको क्लियर करेगा मे है या एम। नेक्स्ट, इफ ही मे, ही शुड नो, इफ ही शुड नो, सो मच, हाउ मच दे वर, यू वर, इफ दे वर, इफ ही वर, ऑफ हिम, टू हिम, ऑफ द एंड द। जैसे वर्ड है हमारे पास इफ ही में, इफ हमारा बिलो द लाइन बनता है, ही अगर हमें ही मिडल में आए या फाइनल पे आए तो आपने हैप्पी डैश बनाना है,
सेंटर पे और स्टेज स्ट्रोक के साथ में एम बना दो, अगर मे की साउंड देनी है तो आप दे सकते हो, ये हमें क्लियर करेगा। ही शुड नो, ही हमारा बिलो द लाइन, शुड और नो। इफ ही शुड नो, इसमें एफ जोड़ देना है खाली, बिलो द लाइन, ही शुड नो। अब हमें चार डेमोलॉग इकट्ठे आ रहे हैं, सो मच एफ ऑन द लाइन एम के साथ चे, हाउ मच औ ऑन द लाइन एम के साथ चे, दे वर दे डब्ल्यू के साथ आर, डब्ल्यू के साथ अगर आर रिप्रेजेंट होगा तो आपने वर्ब पढ़ना है, दे वर्ब में डब्ल्यू के साथ जो आर आएगा डबल एंथ रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू की। इफ दी, इफ दे वर, इफ दे वर, दे वर सेम इस तरह से ही बनेगा, खाली इसमें इफ जोड़ना है, अगर डार देना तो दे सकते हो क्लियर करने के लिए। इफ ही वर, ही वर में आ जाऊंगा, ऑफ हिम, आपने पढ़ा ऑफ हिम और आई एम, ये आपने पढ़ा ऑफ हिम और आई एम भी सेम बन रहा है, ऑफ हिम भी सेम बन रहा है, दोनों में क्या फर्क रहेगा, ऑफ हिम और आई एम में यहां पे डॉट लगा दो, ये हमें क्लियर करेगा ये ऑफ हिम है ये आई एम है। टू हिम ऑन द लाइन, टू हिम डॉट दे दो, पहले आप ऑफ इस तरह से बनाते थे, डॉट डॉट ऐसे बनाते थे, अब इस तरह से नहीं बनाना है, ये हमारी ऑकवर्ड जर्नी है, इसकी जगह पे ऑफ दी इकट्ठा दिया होगा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, एंड द दिया होगा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, शुड द बिन द बाय द इफ द हैव द बियॉन्ड द व्हाट द हाउ द एट द बीच द वाज द। जैसे हमारे पास वर्ड है शुड द, शुड हमारा ग्राम ब्लॉक इस तरह से बनाते हैं और द डाउन ब्लॉक आ जाएगा, विद हमारा लेफ्ट हैंड सर्कल अप ऑफ द लाइन बनता है, द डाउन ब्लॉक आ जाएगा, बाय हमारा ऑफ द लाइन बी बनता है, द डाउन ब्लॉक आ जाएगा, इफ हमारा बिलो द लाइन जाएगा द डाउन ब्लॉक, हैव हमारा ऑन द लाइन द डाउन ब्लॉक, बियॉन्ड हमारा अब द लाइन द अपवर्ड, बियॉन्ड द के साथ अपवर्ड जाएगा, व्हाट हमारा राइट साइड सर्कल अब द लाइन द इसमें अपवर्ड आ जाएगा, हाउ हमारा ऑन द लाइन द इसमें अपवर्ड जाएगा, एट हमारा अब द लाइन द इसमें अपवर्ड जाएगा, बीच हमारा चे ऑन द लाइन द इसमें अपवर्ड जाएगा, वाज हमारा एस ऑन द लाइन द इसमें on the but the I thank you I think you should be I have had I saw the I see I am I may be on the
ऑन हमारा ऑफ द लाइन द अपर जाएगा, बट हमारा ऑन द लाइन द अपर जाएगा, आई हमारा बब लाइन, थैंक यू हमारा बब लाइन बनता है, और यू उसके साथ जॉइन करके बनेगा। आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक ऑन द लाइन, यू शुड बी, पांच डायमोलॉग जॉइन करके बन रहे हैं। आई हैव द, द इसमें डाउनवर्ड, आई हैव हैड डी आ जाएगा, आई सॉ द अपर जाएगा, आई सी सी बिलो द लाइन, आई एम आई के साथ एम बनाएंगे, आई मे बी अगर मे की साउंड ये नहीं दे सकते हो लेकिन बी हमारा ऑन द लाइन बनेगा। यू वर इफ यू वर देवर हाउ कैन दे Why do you? Why have you? With you? So much? When they? What do you? What was? What can be? हमारे पास वर्ड है यू वर, यू हमारा ऑन द लाइन, वर में डाउन बटा, इफ यू वर इफ हमारा बिलो द लाइन, यू वर डाउन बटा, दे वर दे हमारा ऑन द लाइन, वर डबल एंड थ्री परसेंट करेंगे। हाउ कैन दे, How can they? Why do you? Why हमारा above the line? Do हमारा on the line? You हमारा on the line? Why have you? Why have हमारा on the line? You. With you. Double bar with निकालेंगे, आपका with you पड़ा जाएगा। So much. ऐसा on the line, and के साथ ची. When they? When on the line? They. What do you? What above line? D on the line. You? What was the? What was on the line? What can be? What can be? B हमारा on the line. It would be? It should be? It will be? It was, which was, which were, he should be, he will be, if he If he were too much, it would be. T हमारा on the line, would be. It should be. T हमारा on the line, should be. I will be. It was. ऐसा आ जाएगा. Which was? T on the line was. As downward, which are the line, were, are downward, he should be, he on the line, he below line, should above line, be, he will be, if he were downward or too much, and this are chaos. ये हमारी phaseography है, phaseography में जो आपने 20 एक्सरसाइज की हैं, 20 एक्सरसाइज कर जो आपने ग्रामोलॉग पढ़े हैं, एक तो आपकी ग्रामोलॉग की रिवीजन हो गई है, सेकंड अब आपने ग्रामोलॉग को जॉइन करके भी सीखा कि ग्रामोलॉग को जॉइन करके कैसे बनाते हैं।
फेजोग्राफी में दो ग्रैमुलॉग भी होंगे, तीन भी होंगे, चार ग्रैमुलॉग भी होंगे, मोर देन फोर होंगे, तो अब आपने उसको जॉइन करके बनाते जाना। ये हमारी फेजोग्राफी है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 21 एक्सरसाइज जब आप कल पढ़ोगे उसमें आपको यही चीज क्लियर होगी कि जो भी एक्सरसाइज में आपको ग्रैमुलॉग दिए होंगे अब आपको जॉइन करके कैसे बनाते हैं। कल हम सीखेंगे कि ग्रैमुलॉग को जॉइन करके कैसे बनाते हैं, ठीक है। 20 एक्सरसाइज तक जो भी आपने ग्रैमुलॉग पढ़े होंगे वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे, फेजोग्राफी में कवर हो जाएंगे। आज आपने सीखा कि ग्रैमुलॉग को जब जॉइन करके बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फेजोग्राफी। ये हमारी फेजोग्राफी थी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह से ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी बिगनर स्टूडेंट हैं अगर डे वन से ही हमें फॉलो करोगे तो आपको जो भी शॉर्ट हैंड है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। थैंक्स।